भागलपुर के पुलिस जिला नवछिया के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के बैखटपुर गांव में शनिवार की शाम को भीषण आग लग गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कचरा में आग लगाई जा रही थी, हवा तेज होने के कारण आग फैल गई। लोगों को जब तक जानकारी होती तब तक आसपास के कई घरों में आग लग गई थी। आग इतनी भयावह थी कि लोगों ने घंटों आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। इधर स्थिति भयावह देख लोगों ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर अग्निशमन विभाग पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तीन थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल आगजनी की घटना में किसी के जान की क्षति होने की जानकारी नहीं है। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। स्कूल को विद्या का मंदिर माना जाता है। कोर्स के साथ साथ बच्चों को नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन बांका के एक स्कूल के एक मैडम की शर्मनाक हरकत सामने आ रही है। स्कूल में मैडम के पर्स से 35 रुपये खो गए। फिर क्या था, पहले तो सारे बच्चों के पॉकेट को चेक कराया गया लेकिन पैसे नहीं मिले। उसके बाद क्या था, मैडम ने सभी बच्चों को लेकर पास के दुर्गा मंदिर में जा पहुंची और एक एक कर बच्चों को कस में खिलाने लगी। लेकिन इस बीच जब गांव के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो मंदिर के भीड़ लग गई। इसके बाद गांव के लोग मैडम के खिलाफ इस तरह की हरकत के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए विद्यालय में हंगामा करने लगे। इस दौरान कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला बांका जिला के रजौन प्रखंड के आसमानी चक प्राथमिक विद्यालय की है, जहां पर पदस्थापित शिक्षिका नीतू कुमारी गुरुवार को स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनके पर्स से 35 रुपये गायब हो गए हैं। फिर क्या था, मैडम गुस्से से लाल हो गई। मैडम को गुस्से में देखकर स्कूल के अन्य शिक्षक पहुंचे और बच्चों से रुपये के बारे में पूछताछ करने लगे। मैडम इस बात को लेकर अड़ी थी कि उनके पैसे को किसी बच्चे ने चुराया है। इसके बाद बच्चों को कसम खिलाने के लिए पास के मंदिर लेकर चली गई। इसके बाद गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। गांव के लोग इस बात को लेकर खफा थे कि आखिर बच्चों को कसम क्यों खिलाई गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बीआरपी संजय झा मौके पर पहुंची और गांव के लोगों को शांत कराने का प्रयास करने लगे, लेकिन गांव के लोग शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमार पंकज ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। कल 35 रुपया मात्र मैं, और बाकी कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं ना है, यही बात ना है कि मैडम का खाना सही मिलता है। क्या खिलाती है, क्या नहीं देती है, बोलो सब। नहीं पहले पैसा वाला है, बोलो आपका गांव है जो सही है, बोले हमने क्यों बात की है, मुख्य है कि पैसा चोरी और क्रिया, मेन बात यही है, यही बात है ना, ये बात है, यही मेन बात है, और कोई बड़का बात है, और कोई बड़का बात है बताइए। आप वार्ड सदस्य है, आप इसको करते हैं, मेन बात है कि लोगों को क्रिया खिला दिया है, और कोई बात नहीं है। आप लोग जाइए, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार इसके बाद कोई कठिनाई होगी तो फिर बोलिएगा, हम यहाँ से डीओ साहब को इनके अगेंस्ट में रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा चीज है कि लोकल टीचर हमको यहाँ नहीं चाहिए। सुनिए, लोकल टीचर का जो बात है, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, झूठ नहीं बोल रही है। पटना और बांका से होगा, ये हम लोग नहीं कर सकेंगे। बात है समाधान तुरंत होगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ दो चार टीचर, देखिए बच्चा जोर से बोलो। नहा के क्रिया खाओ, यही ना, यही ना, यही क्रिया डुबकी, यही ना बोला है, और कुछ नहीं ना कहा है। खिला दिया है, ये तो नहीं होना चाहिए, किसी भी समय नहीं होना चाहिए।
क्या नाम है तुम्हारा? ये बात सही बात है। अभिषेक कुमार तुम्हारा पढ़ते आप दोनों का नाम लगता है कुछ चोरी होता है तो वही ले वो बूट मुझे वही। आप लोग चोर तो नहीं है, आप लोग तो विद्यार्थी है, आप लोग को चोर तो नहीं कर सकता है। समस्या का आपका समाधान होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही प्रशासन चुस्त और मुस्तैद होती चली जा रही है। इसी को लेकर रेंज के पदाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ डीआईजी कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव आयोग के दिए गए दिशा निर्देश पर अनुपालन करने के लिए वार्ता हुई। इसी क्रम में फ्री फेयर और पीसफुल चुनाव कराने को लेकर वार्ता की गई। डीआईजी विवेकानंद द्वारा पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए, चाहे वह देरा क्षेत्र की बात हो या फिर मद्य निषेध विभाग से जुड़ी बातें हो, सभी जगह पर सख्ती अनुपालन करने को लेकर वार्ता हुई। साथ ही डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि चुनाव में जो बाधा डालते हैं या वांटेड अपराधी हैं, अगर चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेंज के सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए यह बैठक की गई थी। और इस क्रम में फ्री फेयर और पीसफुल चुनाव कराने के लिए जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं, जो कि दियारा एरिया में कार्रवाई से संबंधित हो या मद्य निषेध कानून का सख्ती से अनुपालन से संबंधित हो, इस तरह का आवागमन को रोक थाम करने के लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, जो चेक पोस्ट पे जो बनाने जाने हैं, इन सब के प्रगति की समीक्षा की गई। राज्यों की जो बॉर्डरिंग एरिया है सर, उस पर भी कुछ निर्देश देखिए, भागलपुर और बांका जिला जो है झारखंड से जुड़ता है और बांका जिला में 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं और भागलपुर जिला में 11 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। और आज के दिन में ये सभी चेक पोस्ट प्रभावित हैं, चालू हैं और पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी चेक पोस्ट का स्वयं निरीक्षण भी कर लिया गया है। आने वाले दिन में वहां पर सीसीटीवी लगाने की भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में जो ऐसे लोग अपराधी हैं जो पिछले कई चुनाव में जो चिन्हित किए गए हैं, उन लोगों पर भी सर कुछ कार्रवाई? जो चुनाव में, विशेषकर जो चुनाव बाधित करने में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित किया गया और उन पर जो है सीसीए के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत हुआ तो उन्हें जिला बदर या जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। खूबसूरत दिखना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए वे कई सारे यत्न भी करते हैं। कई बार लोग अपने शरीर या चेहरे पर बने दाग धब्बे झाइयों से परेशान रहते हैं जो उनकी खूबसूरती के राह में रोड़े की तरह होते हैं। अगर आप अपने चेहरे या शरीर की किसी भी हिस्से में दाग धब्बे झाई, डार्क स्किन, डार्क सर्किल, रिंकल, पिंपल के दाग से परेशान हैं और आप उसे हटाना चाहते हैं ताकि आपकी खूबसूरती बढ़े पर आपको इसका कोई निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपके
शहर भागलपुर की सबसे पुराने ब्यूटी पार्लर में से एक संगम ब्यूटी पार्लर में इसका समाधान उपलब्ध है। भागलपुर की खलीपाबाग चौक पर स्थित संगम ब्यूटी पार्लर में अब लेजर तकनीक के माध्यम से इसके समाधान के लिए थेरेपी उपलब्ध है। इस मशीन के बारे में संगम ब्यूटी पार्लर की दीपा दीदी ने विस्तार से बताया। मेरे ये मशीन का काम है, जैसे कि आपका कोई भी दाग धब्बा हो, चेहरा का कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो, उसको ठीक करने के लिए ये हमारे पास ये मशीन आया है, जो कि बड़ो बड़ो शहर में जो मिलता है उसको हम लोग भागलपुर छोटा शहर में भी लेके आए हैं। नहीं, पहले जो सुविधा था, जो कि हम लोग केमिकल बेस से काम करते थे, अभी केमिकल बेस छोड़ करके अभी हम लोग ये मशीन के जरिए हम लोग सारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मशीन लेके आए हैं। इस मशीन का जो कि कोई भी माने, जैसे कि आपका बहुत माने स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे डार्क सर्कल हो, माने रिंकल्स हो, जैसे कि आपका पिंपल्स का दाग धब्बा हो, जो माने ज्यादा उम्र दराज लेडीज को भी कम उम्र करने के लिए ये मशीन का सुविधा है। ये आपका ये मशीन के जरिए से आपको एक सेटिंग या तो किसी किसी का दो सेटिंग तक जा सकता है। इसके लिए ये मशीन के जरिए से हम लोग थोड़ा ठीक करने का कोशिश करते हैं, या तो फिर आपको मतलब एक सेटिंग में नहीं होता तो दो सेटिंग में आपका कम्प्लीटली ये हम लोग ठीक करते हैं। पहले आपका केमिकल बेस से होता था तो मने महीनों महीनों लग जाता था, पांच छह बार करने पर भी नहीं होता था। ये है कि आपका एक बार में आपका पूरी तरह से कम 6 साल के लिए आपको निश्चित गारंटी के साथ है। दीपा दीदी ने बताया कि बड़े शहरों से काफी कम दर पर ये सुविधा उपलब्ध है, साथ ही कम बजट वालों के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी उपलब्ध है। जैसे आपका बड़ा बड़ा शहर में तो आपका 10,000 का एक सेटिंग का 10,000 लेता है, लेकिन हम लोग यहाँ में अभी छोटा अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आपका 5,000 हुआ, 5,500 से स्टार्ट है। नहीं, वो उनके स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी का एक सेटिंग में भी ठीक हो जाता है, किसी का दो सेटिंग में होता है, किसी का 3 सेटिंग में जाता है। ये आपको 1 से 2 या 3 इतना ही करना है आपको, 3 कम से कम 90 दिन का ये रहता है, आपका मैक्सिमम 6 साल तक रहेगा आपका। उसके लिए हम लोग के पास है आपका प्लाज्मा है और ऑक्सीजनो है और बायोहाइड्रा है, उसमें भी वो आपका छोटा अमाउंट में, ये जैसा आपका हाई फ्रेगेंसी वाला हो गया वो माने उसका माने फ्रेगेंसी थोड़ा सा कम है, इस वजह माने उसको कम रेंज लगेगा आपका, जितना इसका हाई रेंज है तो उसका कम पड़ेगा, उसमें कम खर्च में भी आ जाएगा, उसको भी उतना ही काम करता है। तो अगर आप भी दाग धब्बा झाई जैसी समस्या से परेशान हैं, तो एक बार संगम ब्यूटी पार्लर में जाकर इस थेरेपी के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। संगम ब्यूटी पार्लर भागलपुर की खलीपाबाग चौक पर अवस्थित है। भागलपुर में नशा करने के लिए जब एक व्यक्ति को पैसा नहीं मिला तो वो भगवान के मंदिर को निशाना बनाता है और उस पर हाथ फेर देता है, लेकिन पुलिस उसके मंसूबे पर पानी फेरते हुए उसे गिरफ्तार कर लेती है। मामला भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के बिसहरी स्थान का है, जहां 20 फरवरी की देर रात्रि मंदिर से पीतल के कुल 4 कलश चोरी हो जाते हैं। इसके बाद सीनियर SP आनंद कुमार के निर्देश पर DSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर नशा के लिए चोरी करने वाले रूपलाल मलाकार को चोरी किए गए सभी 4 कलशों के साथ धर दबोचा। आपको बता दें, हाल के दिनों में भागलपुर में नशा करने के लिए आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा। किसी 2-3 महत्वपूर्ण मामले संबंधित है, जिसमें एक मामला नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। 20 तारीख को रात्रि में बिसहरी मंदिर से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मूर्ति से कुछ कलश की जो चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए SSP सर के द्वारा एक विशेष टीम बनाया गया। इसमें नाथनगर थाना अध्यक्ष और उनकी पूरे टीम, जो कि पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम रूप लाल मालाकार है, जो कि चंपालाल रोड थाना नाथनगर का रहने वाला है। इससे गहराई से पूछताछ किया गया तो इसकी निशानदेही पे चोरी किया हुआ 2 कलश, जो बड़ा कलश आप लोग देख रहे हैं, और 2 छोटा कलश है, इसकी जो है बरामदगी कर ली गई है और इस अपराधी को माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है। क्या पहले का कोई
सनातन संस्कृति में माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भागलपुर की सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आज काफी देखी गई। बरारी सीढ़ी घाट पर भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। गंगा घाट पर श्रद्धालु पूजा पाठ कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस दौरान एक महिला श्रद्धालु अपने साथ भगवान कृष्ण बाल स्वरूप को अपना बेटा मानते हुए गंगा स्नान कराने पहुंची। भागलपुर में बेहतर पुलिसिंग और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर के 13 ओपी आउटपोस्ट को थाना में बदल दिया है। साथ ही जिले में 2 नए एसडीपीओ की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले के देरा इलाके में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 2 नए पुलिस कैंप बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे एसटीएफ और स्थानीय पुलिस गश्ती करेगी। साथ ही अश्वारोही दस्ता भी अपराधियों पर नकल कसने को लेकर लगातार में भ्रमणशील रहेगी एवं ड्रोन के माध्यम से देरा इलाके की निगरानी की जाएगी। जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा भागलपुर जिला में 13 ओपी को अपग्रेड करते हुए उत्क्रमित करते हुए थाना का इसमें इनको दर्जा दिया गया है और 2 अनुमंडल में अपर पुलिस अनुमंडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। पोस्ट क्रिएट किया गया है और उसको सैंक्शन दिया गया है। तो 13 ओपी को थाना में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे कई फायदे होंगे, आम जनता को भी फायदा होगा और पुलिस को भी फायदा होगा। सर्वप्रथम इसमें अभी क्या है, वर्तमान में इस परिस्थिति है कि वो थाने का वो ओपी का जो अगर एफआईआर होता है तो पेरेंट थाने में दर्ज किया जाता है। ये जो हैसल है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब उस थाने में भी जो एफआईआर दर्ज किया जा सकेगा। दूसरा, जो संसाधन जो उपलब्ध किए जाते हैं तो ओपी में संसाधन कम उपलब्ध किए जाते हैं। अब चूंकि एक कन्वर्ट होकर और इसमें मोस्टली शहरी है, जैसे जोक्सर है और भी अन्य इसमें जो थाने हैं, तो इसको अब इसको थाना में कन्वर्ट करने से इनको संसाधन भी ज़्यादा उपलब्ध होंगे आत्मनिर्भर फंड से और अन्य संसाधन भी, जिससे बेहतर पुलिसिंग में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ 2 नए एसडीपीओ का पोस्ट क्रिएट किया गया है, एक सदर में और एक कहलगांव में, ताकि इसमें इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी केसेस का पर्यवेक्षण हो रहा है तो अभी पर्यवेक्षण की संख्या हमारी कम हो जाएगी, पेंडिंग की संख्या, जिससे कि अनुसंधान जो हम लोग का टारगेट है 75 दिनों में अनुसंधान कंप्लीट करने का, उसमें सहायता मिलेगा और विधि व्यवस्था संधारण में भी मदद मिलेगी। लोगों को भी जो उनकी समस्याएं हैं उनको एसडीपीओ स्तर पर बेहतर तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है। ये 2 मामला एक रहा है, अश्वारोही होता है, उसका भी हम लोग डिपोजिशन भेज रहे हैं और वो जल्द हम लोग को मिल जाएगा, जिसके कारण देरा क्षेत्र में घोड़ा के माध्यम से भी हम लोग उसका निगरानी पेट्रोलिंग करेंगे। किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रहेगी हम लोग की तैयारी में। हाँ, इसके साथ साथ आप लोग को बता दें, हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी देरा क्षेत्र में वो कैंप में बैठे बैठे अगर पूरा क्षेत्र को ड्रोन से वो एक साथ मैपिंग कर सकते हैं, हम लोग ड्रोन भी ले रहे हैं। फिलहाल जल्दी 1 से 2 दिनों के अंदर हम लोग उनको मुहैया करा देंगे। नाइट विजन कैमरा है, ड्रैगन लाइट है, ताकि कोई भी तैयारी में हम लोग की कमी नहीं रहे और लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। कहीं भी कोई अगर अपराध होता है तो उस पर हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए देरा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है विक्रमशिला सेतु, वहाँ उसके पास हम लोगों ने एक पुलिस कैंप बनाया है। वहाँ एक 24 घंटे फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारी भी हैं, और ताकि वो जो क्षेत्र है देरा क्षेत्र है उसमें भी अपराधियों का कोई संरक्षण न हो और किसी तरीके की आपराधिक वारदात होने पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें लगातार उस कार्रवाई चल रही है और उसको भी संसाधन दिए जा रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग और बेहतर उसमें कार्य करेंगे। गश्ती भी करेगी क्या सर उस कैंप की पुलिस? जो पुलिस वहाँ पे 24 घंटे स्टेशन है, 24 घंटे उसको रहना है, रात्रि में भी रहेगी, दिन में भी रहेंगे। इसके साथ साथ उनको और हम लोग सपोर्ट करने के लिए जो एसटीएफ की हमारी जो कैंप है शंकरपुर में, उसको भी नाव के माध्यम से वहाँ तक हम लोग गश्ती करा रहे हैं, ताकि कोई भी क्षेत्र हम लोग का अछूता न रहे, पुलिस का प्रेजेंस 100% जगह पे हो। भागलपुर सिविल कोर्ट 16 जिलों को संयोजित किया हुआ है। यह एक पुराना शहर होते हुए घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के अधिवक्ताओं ने कई वर्षों से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। आज फिर उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर भागलपुर की दर्जनों अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके समर्थन में भागलपुर के दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। ये धरने का जो उद्देश्य है वह सरकार के उद्देश्य से अलग नहीं है। सरकार और वरन न्यायपालिका का भी उद्देश्य है कि लंबित मामलों की संख्या घटाई जाए,
ज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने चार खंडपीठ के पुनर्स्थापना पर विचार कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत लंबित मामले हैं और सबसे ज़्यादा बिहार की स्थिति बुरी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मंशा, न्यायपालिका की मंशा, आम अधिवक्ता की मंशा और अधिवक्ताओं की मंशा एक ही है। तो यह स्वतः ही अपने आप में साबित करता है कि यह समय की मांग है। और भागलपुर में, जो कि एक प्राचीन शहर है, पौराणिक शहर है, भागलपुर से 16 जिला जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ उच्च न्यायालय खंडपीठ की या फिर सर्किट कोर्ट की स्थापना होती है तो आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों का बार कोड जारी हो गया है, एडविन जज के यहाँ भी हमारा पिटीशन पड़ा हुआ है, कुछ समय से लंबित था, उसी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार संपर्क में है। पीएमओ ऑफिस हम लोगों को ईमेल भी आया है, टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है। भागलपुर के सुल्तानगंज के अबजूगंज में दिन दहाड़े गांव के दबंगों ने 7 लोगों के घर में घुसकर मारपीट की, मामला थाना पहुंचा। वहीं इस मामले में अबजूगंज निवासी दीप नारायण शाह ने थाना में लिखित आवेदन देकर कहा कि 23 फरवरी को गांव के दबंग वीरेंद्र शाह व राजेश शाह, धर्मेंद्र कुमार, तीनों के पिता भंगी शाह, नीतीश कुमार, गुलशन कुमार, सुमन कुमार, विनोद शाह, अंकित कुमार सभी मिलकर घर में घुसकर दुर्व्यवहार करते हुए गाली गलौज, लाठी डंडा एवं देसी कट्टा का भय दिखाकर 5,000 की छिनतई करते हुए जान मारने की धमकी दी है। मामले को लेकर पुलिस ने सुल्तानगंज थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। सुल्तानगंज के रविदास नगर दुधैला में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मध्य विद्यालय कुमारपुर कठहरा में प्रधान अध्यापक जमादार दास के नेतृत्व में संत रविदास की जयंती समारोह में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के बच्चों को कॉपी और कलम देकर प्रोत्साहित करते हुए सभी बच्चों को पढ़ने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद शोभा देवी, पार्षद प्रतिनिधि शंकर दास, समाज सेवी संत सुशील दास, डॉक्टर नंदकिशोर दास, पंडित दास, सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन प्रसाद मंडल, कमलेश्वरी रविदास के द्वारा सैकड़ों बच्चों को कॉपी व कलम देकर प्रोत्साहित किया गया।